शहर के संविधान चौक पर देश के विभिन्न हिस्सों से आए अर्धसैनिक बल के छात्राओं ने बीते कई दिनों से अपने हक की मांग के लिए आमरण अनशन किया जा रहा है, लेकिन उनकी मांग कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अर्धसैनिक बल के छात्रों द्वारा शनिवार को संविधान चौक पर मार्च निकालकर अपनी मांग सरकार के सामने में रखी गई। साथ ही नागपुर से बदलाव आंदोलन के यश गोरखेड़े द्वारा छात्रों को सहयोग किया गया है। इस दौरान हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है और यहां आए हुए अर्धसैनिक बल के छात्रों से आइए डालते एक नजर। बीते कई दिनों से संविधान चौक पर अर्धसैनिक बल के जो लोग हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आमरण अनशन पे बैठे हैं। कितने दिनों से, मतलब महीनों से यहाँ पे है, लेकिन उनकी मांगे जो है सुनने को कोई तैयार नहीं है। आज इनके द्वारा जो है कैंडल मार्च किया गया है। हमारे साथ उन्हीं में से कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। मेरा नाम कृष्णा है, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, SSC GD 2018 की एक छात्रा हूँ। मैं आपको बता दूं कि हमारी वैकेंसी निकली थी CAPF के थ्रू। 8 पोस्टें होती हैं जिसमें CRPF, CISF ऐसे करके अर्धसैनिक बल 60,210 पदों पर वैकेंसियां थी, जिसमें से केवल 55,000 को ज्वाइनिंग दी है। आपने अभी तक सुना होगा फ़ौज की भर्ती में 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल होता है, लेकिन ये पहली ऐसी भर्ती हुई जिसमें 3 से 3.5 साल लगाए गए, जिसके कारण हम सभी युवा ओवरएज हो गए। इसमें हमारी गलती तो नहीं है, गवर्नमेंट की है। आप इतनी लंबी भर्ती प्रक्रिया कर रहे हो क्यों? दूसरा, आपने जो 60,000 सीटें थी उसमें से केवल 55,000 को भरा है, जो 5,000 सीटें वो कहाँ हैं उनका बताओ हमें। तो हम यही मांग रहे हैं इनसे। इससे पहले हमें करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया, दिल्ली में आंदोलन भी हमने किया था, लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। हमने हर जगह अपना मेमोरेंडम, निवेदन पत्र हर जगह दिया, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर इसलिए आए हैं अभी, और आज हमारा 37वां दिन है आमरण उपोषण का, क्योंकि नितिन गडकरी से हम बहुत उम्मीदें लेके आए उनसे कि यहाँ से हो जाएगा आमरण उपोषण। आप सोचिए कि एक सैनिक वहाँ शहीद होने के लिए मर रहा है और हम वर्दी के लिए मर रहे हैं यहाँ। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जुनून कितना है कि 37 दिन भूखे पेट रहना बहुत बड़ी बात हो जाती है, आम इंसान नहीं रह सकता। तो मेरी सभी से गुजारिश है, देशवासियों से भी, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, हमारे गृह मंत्री जी से भी, और जितने भी मेरे हमने हर जगह दिया, फिर भी मैं एक बार और गुजारिश करना चाहती हूँ कि सभी लोग हमारा साथ दें, जिससे कि इन बच्चों को इनका हक मिल सके, इनकी वर्दी मिल सके। बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा कि दिल्ली से यह आंदोलन नागपुर तक पहुंचा है, मतलब यहाँ, मतलब छोटे शहरों से दिल्ली तक सब मांगे जाती है, लेकिन दिल्ली में आपकी मतलब कहीं सुनवाई नहीं होने से आप नागपुर आए, और नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है उनसे मतलब आपको बहुत ज़्यादा आशा है। क्या बताओगे, कितने दिन हुए, कहाँ से आप आए हो और क्या मांग है, क्या बताना चाहोगे? मैम, पिछले 1 साल से हम दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे हमारा, और उसी दौरान हमने सारे मंत्रियों, सांसद, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, HMO, PMO तक हमारा निवेदन दिया है, लेकिन उसके बाद भी पिछले 1 साल में हमारी आवाज़ 2 बार संसद में उठ चुकी है। उसके वो बात उठने के बाद भी संसद में उठने के बाद भी किसी ने हम पर ध्यान नहीं दिया। जो हमारी बात थी वो किसी ने सुनी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सरकार तक हमारी बात पहुँची नहीं, सरकार तक हमारी बात पहुँच चुकी है, लेकिन वो बात सुन के भी अनसुने कर रही है। तो पिछले 1 साल से हमें जितने भी मंत्रियों से मिले तो वो बोल रहे थे कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो अमित शाह जी के अंदर है। तो हम सीधा अमित शाह जी के यहाँ गए थे, 2 बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन हमको वहाँ से निकाल दिया गया। तो हम जहाँ अभी नागपुर में इसी कारण आया है मैडम, कि हमारे जो सांसद है आके जाने माने नितिन गडकरी जी, मतलब 2 बार हमने इनके साथ मीटिंग भी की थी, तो इन्होंने हमें दिलासा दिया था कि हम आपका काम जरूर करेंगे। इसी हिसाब से हम यहाँ पर आए हैं, और दिल्ली की सड़क से लेकर संसद तक, गांव की एक सड़क से लेकर दिल्ली तक हमारी आवाज़ जा चुकी है। आप देख सकते हैं मैम, ये जो लड़का है, ये जो पीछे लड़के बैठे हैं, एक गांव के लड़के हैं, और आज 1 साल से ये दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, मतलब भूख प्यासे सड़क पर सोए हुए हैं मैडम। तो हमें कुछ ही नहीं पता था कि हमारे हक के लिए कैसे लड़ा जाता है, लेकिन ये लड़ाई जब से शुरू हुई है तब से हम एक एक कदम जो है, बोलते ना, एक एक सीढ़ी पर चढ़ के आगे रहते हैं, उसी तरह हम चढ़ते जा रहे हैं, और आज तक हमारी जो आवाज़ है वो संसद में उठ गई है। इसी कारण अभी भी 28 तारीख को हमारी आवाज़ जो नागपुर में हम धरना, अनिश्चितकालीन जो हमारा आमरण उपोषण चल रहा है, ये भी आवाज़ संसद में उठ चुकी है। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो 3 बार हमारी आवाज़ संसद में उठी है उसको ध्यान में रखते हुए, और ये जो 20 सीट खाली हुई है हमारी, उसमें ये आंदोलन कर रहे बच्चे, इनको प्राथमिकता देते हुए वो पूरी सीट भरी जाए।
गडकरी जी की मतलब आशा लेकर आप आए हो कि वहाँ यहाँ तो भी मतलब आपकी मांग जो है सुनी जाएगी, तो आप यहाँ इतने मतलब एक महीना आपको हो चुका है, तो कहीं गडकरी जी आकर आपसे मिले हैं या आपके यहाँ से कुछ लोग वहाँ निवेदन देने दिख गए हैं? मैम जैसे हम आमरण उपोषण पर बैठे थे तो 3-4 दिन बाद उनके पीए हमसे आके बात किए, वो बोल रहे थे कि आप ये तोड़ दो मैं आपका काम करूँगा। उस समय भी उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो बस यही हमने उनको वही बोला कि सर आप 15 दिन बाद हमारा काम कर दो या जितना टाइम लेना ले सकते हो उतना टाइम ले लो, आज जिस दिन हमको हमारा हक मिल जाएगा उसी दिन हम हमारा अनशन तोड़ देंगे। तो उनको ये बोलते हुए हम ये उसी बात पर अभी चल रहे हैं हम, और नितिन गडकरी साहब से मिलने के लिए हर सैटरडे संडे हमारा निवेदन उनके पास रहता है, हमारे बच्चे उनके घर जाते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक उस समय बाद जब उनके पिया रिप्लाई नहीं आया। मैम इस आंदोलन की जो मांग है हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है अर्धसैनिक बल के जो यहाँ पे स्टूडेंट है हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, एक महीना इनको करीबन हो चुका है पूरे भारत भर से, उत्तर प्रदेश कहो मध्य प्रदेश कहो गुजरात कहीं पूरे भारत से यहाँ पे जो ये बच्चे आए हैं अपनी मांग को लेने के मांग को मतलब अपने हक को मांगने के लिए, तो इसी का साथ दे रहे बदलाव आंदोलन से जुड़े हुए यश गौरखेड़े, क्योंकि इनकी मांग कहीं सुनी नहीं जा रही है, तो क्या बताओगे आप इनका नेतृत्व आज कर रहे हो, क्या बताओगे? नहीं मैं नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको एक बैक एंड सपोर्ट दे रहा हूँ, एक समाज सेवक होने के नाते मैं आपके माध्यम से सारी की सारी जनता को बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे ये पूरे के पूरे मजदूर के किसान के ऐसे ऐसे तबके के बच्चे हैं जिन्होंने खून पसीना एक करके अपने बच्चे को पढ़ाया, और ये सारे के सारे बच्चे इतने ज़िद्दी है, इनको इनकी एक ही मांग है सरकार से कि आपने मेडिकल फिटनेस आपने टेस्ट दे दिया, आपने एग्ज़ाम क्रैक कर ली, आपने फिजिकल टेस्ट भी आपने क्रैक कर लिया, अब हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आप कोई भी नियुक्ति उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो आज हमारे पास आसाम राइफल्स बीएसएफ और जितनी भी डिफेंस की जो नियुक्ति बची हुई है ये 2018 की है, इन्होंने सारी की सारी एग्जामिनेशन क्रॉस करने के बाद पास करने के बाद ये 5000 बच्चे ये इतना ही चाहते हैं कि आप हमको हमारी वर्दी दे दीजिए। आपके पास अगर फंड्स नहीं है जो कि हमारा हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और जितने भी डिफेंस मिनिस्टर आए और गए सब ने एक बजट बना के रखा हुआ है भारत को बचाने के लिए बाहरी दुश्मनों से, और आज ये लोग अगर बोल रहे हैं कि इनके पास पैसे नहीं, तो ये बच्चे फोकट में भी काम करने के लिए इतने इच्छुक है, आज 1.5 साल से दिल्ली से लेके बंगाल से लेके पूरे के पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं लेकिन इनको कहीं से भी कुछ नहीं मिला। माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सिर्फ रैलियों के लिए आप बाहर मत घूमिए, आज ये बच्चों से आके आप मिल तो लीजिए। ये बच्चों ने सिर्फ जाके उनसे मिलने की दरख्वास्त की, उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन इनको बदले में क्या मिला, इनके पीठ की पैरों की इनकी हड्डियां तोड़ दी। उसके बाद आज ये लोग आप नागपुर में आके पिछले 1.5 महीने से बैठे हुए हैं, 1.5 महीने से इनको कोई आके नहीं देख रहा, आज नागपुर इनके साथ खड़ा है और इसीलिए खड़ा है कि आज कहीं ना कहीं दस्तक इनके घर पे है, कहीं ना कहीं दस्तक इनके यहाँ पे भी आएगी, भले ही मुद्दा राज्य का या सेंट्रल का ये लोग जो धकेल रहे हैं आपस में, इनके बीच में पहले किसान पिसा है, मजदूर पिसा है, आज का देश का युवा भी ये मर रहा है और ये किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक समय पे हम लोग बात करते हैं भारत माता की जय, एक समय पे हम लोग बोलते हैं कि देश हमारा सबसे महान है, एक समय पे हम लोग बोलते हैं कि इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट, लेकिन आप एक समय पे देख रहे हो कि जो लोग वर्दी के लिए मर रहे हैं देश के, इनको क्या मिल रहा है? ये बच्चे जब इतना UPSC के लिए और MPSC के लिए इतना प्रिपेयर करने के बाद आज इस मुकाम पे खड़े हैं कि ये अपने वर्दी के लिए आज मरने को रेडी है, तो इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ कुछ नहीं हो सकती। यही रिक्वेस्ट करूँगा सारे के सारे देश के युवाओं से, और जो चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया, आपके आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूँगा कि नेशनल मीडिया भी इस मुद्दे को उठाने की एक इंटरेस्ट फैक्टर जो बोलते हैं वो शायद वहाँ से नहीं उठा पाया, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा सारी की सारी जनता से कि वो इस आंदोलन के साथ जुड़िए। आज SSC GD की सिर्फ बात नहीं है, आज देश को बचाने की बात है, और बात सिर्फ दुश्मनों से लड़ने की नहीं है, आज युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, पढ़ लिख के वो लोग यहाँ तक आए हैं। मैं रिक्वेस्ट इतना ही करूँगा सारी की सारी जनता से कि दस्तक आज बाहर में है, दस्तक आज इनके यहाँ पे, दस्तक कला आपके यहाँ पे भी होगी, लेकिन देर इतनी हो चुकी होगी कि कोई आपके लिए कभी कुछ बोलने के लिए नहीं आएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, रिक्वेस्ट है सारी की सारी जनता से, संविधान चौक पर ये सारे के सारे बच्चे पिछले 31 दिनों से आमरण के ऊपर बैठे हुए हैं, रिक्वेस्ट है कि आप आमरण के ऊपर तो नहीं बैठ सकते लेकिन आके आप सिर्फ इनसे बात कर सकते हैं, इनसे जुड़ सकते हैं,
जय भारत जय हिंद। बिल्कुल, जैसा कि हमने देखा कि अक्सर हम बोलते हैं कि अगर युवाओं को रोज़गार नहीं मिला तो युवा जो है राह से भटक सकते हैं। जी हाँ, ये बात सच है, लेकिन इन युवाओं में इतना मतलब संयम हमने देखा है कि पिछले 30 से 37 दिनों से ये अपना मतलब अपनी मांग, अपनी वर्दी की मांग लेकर यहाँ है, लेकिन किसी भी मतलब अन्याय या किसी भी तरह की हिंसा इन्होंने नहीं की है। सिर्फ अपनी मांग जो है, अपना हक जो है, वो हिंसा की राह पर चलकर ये मांग रहे हैं। और यहाँ पे आज उन्होंने कैंडल मार्च करके ये मतलब मांग जो है, मतलब राज्य के मंत्री हो, सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बैठी है, उन तक पहुँचाने के लिए ये एक रास्ता चुना है, शांतिपूर्वक रास्ता। अब देखना ये होगा कि इनका हक इन्हें कब मिलता है, इनकी तरफ किसका ध्यान जाता है या नहीं, या सब अपनी राजनीति में खुश रहते हैं, अब ये देखना होगा। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।